अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो आपको एक और खूबसूरत सुबह में बाकू से खुश आमदीद। तो आज हम निकले हैं जी बाकू का एक सिटी वॉक करने के लिए। तो पहले जहाँ पे हम रहे थे ईशा शहर से, वहाँ से निकले हैं और फ्लेम टावर्स की तरफ अभी हम जा रहे हैं। रास्ते में कुछ इस तरह के मॉन्यूमेंट्स भी लगे हुए हैं। तो चलते चलते जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एक खूबसूरत पार्क में। बाकू में एक बहुत अच्छी बात है कि जगह जगह पे आपको इस तरह के ग्रीन पार्क्स नज़र आएंगे। यहाँ पे आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, ये जगह बहुत प्यारी है, आपको साथ साथ दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ऊपर जाके आपको मज़ा आएगा। काफ़ी सारी ग्रीन स्पेसेस भी हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं जी। तो काफ़ी तरह तरह के यहाँ पे ग्रीनरी आपको मिलेगी, फ्लावर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक खुशगवार माहौल है यहाँ पे, आपने जब भी आना है तो चक्कर आपने लाजमी लगाना। यहाँ से ऊपर से आपको काफ़ी अच्छे सीन नज़र आएंगे। बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, झूले झूले लगे हुए हैं यहाँ पे और वाटर फीचर्स भी हैं। इस पार्क में आप आइएगा ज़रूर, यहाँ से आपको पूरे बाकू का नज़ारा मिलेगा। जो फ्लेम टावर्स हैं इसके साथ ही नीचे पार्क बना हुआ, बहुत प्यारा पार्क है। यहाँ पे फैमिली के साथ मतलब बच्चों को खेलने की जगह भी है और यहाँ से आपको पूरे बाकू का नज़ारा मिलेगा। बाकू के फेमस फ्लेम टावर्स और यहाँ पर हम अभी देखते हैं नाइट व्यू, इसका बहुत अच्छा होगा जब लाइट्स ऑन होते हैं। तो ये है जी फ्लेम टावर्स के बिल्कुल सामने बाकू का एक कल्चरल सेंटर, काफ़ी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है और ये बहुत बड़ा स्क्वायर है। यहाँ पे एक टर्किश टाइप की मस्जिद भी है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बहुत ही बड़ा स्क्वायर है, बिल्कुल फ्लेम टावर्स के जो ना सामने है। यहाँ पे शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, रश काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से आप सामने जाएंगे आपको स्टेशन नज़र आ रहा होगा। यह स्टेशन एक बहुत ही यूनिक किस्म के ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो हाइट के ऊपर है पहाड़ पर। यहाँ से आप बिल्कुल इनको एक जो है वो मानत देंगे उनकी करेंसी, तो ये आपको बिल्कुल पहाड़ से नीचे लेके जाएगा। काफ़ी मुझे डिफरेंट ये लगी है ट्रांसपोर्टेशन किसी और उसमें ना कंट्री मुझे अभी तक नज़र नहीं आई है। लिफ्ट की तरह लेकिन ये स्लोप से नीचे जाती है, और अगर तो सनसेट चल रहा हो तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे सीन्स हैं। ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह लगी थी। इसमें आप एक मन्नत देंगे और डायरेक्ट आपको नीचे कारपेट म्यूज़ियम के सामने ही उतार देगा। तो इसमें काफ़ी स्लो चलती है ये, तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे नीचे आने में और सीधा कारपेट म्यूज़ियम के सामने आप उतर जाएंगे। तो आप यहाँ से फ्लेम टावर्स के पास से गुजर के मॉस्क के पीछे ये इस तरह की इन्होंने बनाई हुई है ट्रांसपोर्ट। यहाँ से आप उतरेंगे तो आपको सामने बिल्कुल बीच नज़र आएगा। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सी साइड पार्क बनाया, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। एक मन्नत इसका टिकट। में जगह जगह पे इस तरह के फाउंटेन्स और काफ़ी स्टैचूज वगैरह लगे हुए हैं। तो जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे यहाँ पे भी इस तरह का खूबसूरत स्टैचू है। रात के वक्त ही इसमें इस तरह से लाइटिंग चलती है जो इनका फ्लेम टावर और इस तरह के डिज़ाइन चलते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप बाहर आएंगे और सामने कारपेट म्यूज़ियम,
अगर आपने कारपेट म्यूज़ियम में जाना तो आप बिल्कुल यहाँ से फ्लेम टावर से वो ट्रांसपोर्ट लेके सीधा नीचे आएंगे, जैसे एग्जिट पे सामने देखेंगे तो आपको कारपेट म्यूज़ियम नजर आएगा। एक छोटा सा पार्क है समंदर के किनारे, यहाँ पे लोग जॉगिंग वगैरह करने आते हैं। और ये एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम अभी देखते हैं क्या है। और अभी हम आ चुके हैं समंदर के किनारे। तो इस खूबसूरत सी बिल्डिंग का नाम है जी डेनिस मोर, और लोटस फ्लावर टाइप के इन्होंने बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया, तो बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। ये कार्निश के बिल्कुल साथ है, यहाँ पे पूरा पार्क, और यहाँ पे आप रात में घूम सकते हैं, काफ़ी लोग म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं जी इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से मॉल कैसा है। जैसे मॉल के अंदर आते हैं आपको सबसे बड़ा फीचर जो इसका नज़र आएगा इसका डांसिंग फॉर्म है। यहाँ पे म्यूज़िक प्ले होता है और हर तकरीबन 10-15 मिनट के बाद में इस पर एक डांसिंग शो चलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आके पूरा एक डांसिंग फाउंटेन का शो इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको, तकरीबन जो दुनिया के सब मॉल्स में ब्रांड्स होते हैं मिल जाएंगे। बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ और गेमिंग एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पे आपको सारे गेम्स वगैरह भी मिल जाएंगे, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम हो गया था और थकावट भी हो गई थी, तो ऊपर फूड एरिया में हमने जाके फिर पिज़्ज़ा शीज़ा इंजॉय किया। पिज़्ज़ा यहाँ पे बहुत मिलेगा।